देखिए, डिफ्यूजन जो है ना, वो हमेशा जैसे हाई कंसंट्रेशन है और एक तरफ है लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होना, जैसे कि वाटर है, इधर जो है वाटर बहुत ज़्यादा है और इधर जो है, सपोज करिए ऐसा ले लीजिए कि ये गोला है और एक ये है, यहाँ पर वाटर पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर जो है सिर्फ आधे में है, तो वाटर हाई से ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो जो वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है, वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो जैसे कि सेल है, सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर है बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है ना, तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से सेल की तरफ मूव करेगा। मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, कोई चीज़ जहाँ पर कम होगी ना, तो ज़्यादा चीज़ उसकी तरफ मूव करेगी। तो यही जो प्रोसेस होता है, यही हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और यही पर यही सारी चीज़ें, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो करता है सेल के अंदर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है, यही होता है ऑक्सीजन। वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ऑबे करता है ना, लॉ को मानता है वाटर भी डिफ्यूजन के। तो वाटर जो है ना, वो वाटर का मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, मूव थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल और मेम्ब्रेन, तो हम लोग को पता है कि जो सेल होता है, सेल के बाहर क्या होती है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्ट कर करके, मतलब इतना भेजना है, कितना भेजना है ना, सेलेक्ट, चयन कर करके अपने हिसाब से भेजता है सेलेक्ट करके। परमिएबल, परमिएबल कोई भी चीज़ होती है जिसके आर पार कुछ जा सकता है, वो चीज़ परमिएबल होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना, इसके थ्रू जब वाटर फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, सपोज करिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से इस तरफ वाटर जो मूव करेगा, ये इससे भी इफेक्ट, इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, मतलब पानी में क्या क्या घुला हुआ होगा, क्या क्या मिला हुआ होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि पानी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से किस तरह से जाएगा। तो ऑस्मोसिस, तो दस ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है कि ये देखिए, सपोज करिए एक सब्सटेंस है या फिर एक घड़ा है, सपोज करिए बीच में लगी हुई है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक कब तक, कंसंट्रेशन का मतलब होता है घनत्व, कितनी चीज़ है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, कोई चीज़ उसमें लो है तो लो कंसंट्रेशन। तो जब हाई कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी इधर है, यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा से जब तक कम की तरफ तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों हिस्सों में बराबर ना हो जाए पानी, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। और यही एनिमल सेल में, प्लांट सेल्स में इसी तरीके से हम लोग का एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर। अगर हम लोग किसी प्लांट के सेल को या फिर एनिमल के सेल को अगर हम लोग शुगर के सॉल्यूशन में रख दें, मतलब देखिए ये देखिए है प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल कुछ भी मान लीजिए, और हमने इसको एक ऐसी जगह रख दिया जिसमें चीनी और पानी के मिश्रण, हमने ठीक है इस पानी में रख दिया हमने जिसमें चीनी मिली हुई है, चीनी मिले हुए पानी में हम लोगों ने एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को हमने रख दिया सपोज करिए, तो तीन कंडीशंस हैं कि ये हो सकता है। एक तो क्या होगा कि अगर मीडियम जो है सेल का,
तो पहले तो हम ये समझ लीजिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है मोर वाटर लेस सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक होता है सोल्यूट, सोल्यूट होता है, ठीक है, सोल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो वैसे हम लोग थर्ड चैप्टर में अच्छे से देखेंगे इसको, फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो चीज़ घोली जाती है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, एग्जाम्पल शुगर, ठीक है। शुगर एंड वाटर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो शुगर क्या है? शुगर है सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है, हो गया। वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर में घोला जा रहा है, और शुगर सॉल्यूट है क्योंकि शुगर घुल रही है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा? जो घुल रहा है, इस एग्जांपल में चीनी, तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट बड़ा होगा, उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें पानी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाहर की तरफ पानी है वो ज्यादा है, और सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन तब होता है जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। कोई भी सॉल्यूशन, चीनी का, नमक का, HCl, कुछ भी हो, अगर उसमें पानी ज्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, या फिर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। या तो हम डाइल्यूट बोल देंगे या तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो अगर ये सेल है, सेल में, और ये सेल के बाहर का एक एटमॉस्फेयर है, इसमें बाहर की साइड अगर पानी ज्यादा है तो पानी कहाँ मूव करेगा? बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा ना, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि बाहर की तरफ पानी ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो सेल के अंदर पानी बाहर से मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, और इस सॉल्यूशन को, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू कांटेक्ट इन द सेल देन लीव। तो मतलब वाटर जो है वो आराम से इधर उधर सेल के अंदर बाहर जा सकता है, मगर सेल के अंदर ज्यादा पानी आएगा एज कंपेयर टू जितना वो बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कम पानी था बाहर के कंपैरिजन में, और पानी कब तक इधर उधर ट्रैवल करता रहता है? जब तक वो इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए सेल क्या हो जाएगा? सेल फूल जाएगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल विल स्वेल अप, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि इफ मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, मतलब ये सेल है और सेल के बाहर एक मीडियम है, तो उस मीडियम में भी उतना ही पानी है जितना कि सेल के अंदर है, तो ना ही पानी अंदर मूव करेगा और ना ही पानी बाहर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ना ही पानी सेल के बाहर जा रहा है और ना ही अंदर आ रहा है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो जिस सॉल्यूशन में पानी कम होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। जिस सॉल्यूशन में पानी कम होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे, ठीक है। अगर मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की देन द सेल, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या होगा? सेल से बाहर की तरफ जाएगा, और पानी सेल के बाहर की तरफ जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब है सिकुड़ जाएगा सेल, ठीक है। तो सेल यहाँ पर सिकुड़ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन का। मतलब ये ऑस्मोसिस के तीन स्पेशल केसेस हैं, एक में मीडियम में ज़्यादा पानी है, एक में मीडियम में कम पानी है, और एक में सेल और मीडियम में बिल्कुल बराबर पानी है। जब बराबर होगा तो आइसोटोनिक बनेगा, जब पानी ज़्यादा होगा तो हाइपोटोनिक बनेगा, और जब पानी कम होगा तो हाइपरटोनिक। ये तीन कंडीशंस हैं। जब पानी ज़्यादा होगा हाइपोटोनिक के टाइम पे, जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? सेल विल स्वेल अप, क्योंकि उसके अंदर की तरफ पानी जाएगा, और जब आइसोटोनिक होगा तो सेल और पानी बिल्कुल बराबर बराबर रहेंगे, सेल एज इट इज रहेगा, और जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो सेल जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि उसमें से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा।
अब हम लोग और आगे इसमें देखते हैं, ये हमने तीन कंडीशन देख ली कि ऑस्मोसिस की तीन कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए यूनिसेलुलर, ये इससे पहले जो एग्जांपल है ना वो हम लोगों को वही बता रखा है जो हमने अभी पढ़ा है कि एग है और एग को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग डाल देंगे तो शेल जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसके अंदर जो है पानी भर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। बस यही एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट अब यही चीज आती है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वाटर में रहने वाले जो प्लांट होते हैं ना वो पानी कहाँ से लेते हैं, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी लेते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है ना रूट्स का, रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से करती है, क्योंकि रूट्स में पानी कम होता है, सरफेस के आसपास पानी ज्यादा होता है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, वाटर अगर कोई और लिक्विड हो तो डिफ्यूजन, और अगर वाटर है तो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस कह देते हैं हम उसे, ठीक हो गया। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम लोग गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं और वाटर का भी एक्सचेंज करते हैं। इन एडिशन टू दिस सेल जो है अपने न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से लेते हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह से अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। मतलब कुछ अंदर गया सेल के, कुछ बाहर आ गया डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और एनर्जी का ट्रांसफर इसी तरीके से चलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल कोई ऐसी चीज होती है जो इसको आराम से हम लोग हिला सकते हैं, जैसे कि आपकी फिंगर्स क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, आपके मुंह का जॉ क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो जो चीजें आप लोग हिला सकते हैं वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल, और कोई बहुत ही भारी पत्थर आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आप उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, और वो किस किस की बनी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफी पतली होती है और हम लोग उसको काफी माइक्रोस्कोपिक होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि किस तरीके से अमीबा जो है वो अपना खाना खाता है, इसी टाइप का आपका जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका आंसर ये है। तो हाउ डज अमीबा ऑप्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना खाना कैसे ऑप्टेन करता है, और इससे क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। होपफुली आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब वाटर मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, और कब तक मूव करता रहता है, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए। तो ऑस्मोसिस का जो आंसर है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो ये है, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। ये osmosis, ये जो question number 8 है ना उसका ये answer है, osmosis, ठीक हो गया। अब question number जो 7 है उसका answer यहाँ पर है कि how does amoeba obtains its food, amoeba अपना खाना कैसे लेता है, तो यहाँ पर है इसका answer, ही देखिए। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food। मतलब cell membrane अगर जितना flexible होगा, जितना इधर उधर मूव कर पाएगा, इसकी वजह से amoeba अपना खाना engulf कर पाता है, अपने अंदर ले पाता है, and other material from its external surrounding। Such process are known as endocytosis। किस process से लेता है amoeba अपना खाना, इस process को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। कैसे लेता है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, और नहीं नहीं सॉरी, अमीबा जो है अपना प्रोसेस खाना इस वजह से ले पाता है क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसकी प्लाज्मा, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो अपना शेप जैसे कि ऐसे है अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे खाना आ गया, तो पता है वो क्या हो जाएगा, वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, ऐसे 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 शेप चेंज कर लेगा और उस खाने को अपने अंदर ले लेगा, खाने को अंदर लेने के बाद उसकी शेप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो खाने को अंदर लेने के लिए वो अपना और अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए जो अपनी शेप चेंज कर लेता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपना खाना एक्वायर करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, और जितने भी इसके सेल ऑर्गेनलीज है ना वो सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।